वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए पहले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देकर मार दिया गया था। उन्हें रावलपिंडी की जेल में फौजी शासक जियाउल हक के आदेश पर सजाए मौत दी गई थी। उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों को मरवाने के आरोप थे। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे। उन्हें फौज ने 1977 में तख्ता पलट करके पद से हटाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल रफीउद्दीन ने अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इस बात का विश्वास था कि जियाउल हक उन्हें फांसी नहीं देंगे, लेकिन उनकी ये धारणा 4 अप्रैल को टूट गई। रफीउद्दीन को उस समय रावलपिंडी जेल में तैनात किया गया था ताकि वो भुट्टो पर नजर रख सके। भुट्टो को फांसी देकर रास्ते से हटाने वाला शख्स कोई और नहीं, जियाउल हक ही, जिसे भुट्टो ने सेना प्रमुख बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिया ने उसी शख्स को मौत दे दी जिसने उसे शिखर पर पहुंचाया था? इस बात को समझने के लिए 1976 की एक घटना को समझना होगा। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो मुल्तान की यात्रा पर गए थे और जिया ने उनके स्वागत में पूरी तैयारी की थी। मुल्तान में देर रात तक भुट्टो अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शीशे के बाहर किसी की परछाई दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने ADC को पता लगाने के लिए भेजा तो मालूम हुआ कि बाहर डिविजनल कमांडर जियाउल हक खड़े हुए थे। भुट्टो ने उनसे पूछा कि इतनी देर रात तक वो उनके कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं। इस पर जिया ने चापलूसी की चाशनी में डूबा हुआ ऐसा जवाब दिया जिसका असर भुट्टो के दिल और दिमाग पर हुआ। जिया ने कहा था, मैंने सुना है कि आप देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं आपके कमरे के बाहर से निकल रहा था तो नजर कमरे की रोशनी पर गई और मैं ये देख कर दंग रह गया कि हमारा राष्ट्रपति इतनी देर तक काम कर रहा है। चापलूसी का ये तीर अपने निशाने पर लगा और भुट्टो ने तय कर लिया कि पाकिस्तान का अगला सेना प्रमुख यही शख्स बनेगा और जिया को सेना प्रमुख बना दिया गया। जिया ने भुट्टो का विश्वास जीत लिया। भुट्टो ये मानते रहे कि जिया वही करेगा जो मैं कहूँगा। भुट्टो कई बार जिया को सबके सामने बंदर जनरल भी कहते थे ताकि ये दिखा सके कि उनका आर्मी चीफ उनकी मुट्ठी में। भुट्टो कभी उनके कद की खिल्ली उड़ाते तो कभी चेहरे और दांतों की। ये सब करते हुए भुट्टो ने कभी नहीं सोचा होगा कि जल्दी ही उनका जनरल बंदर उनकी कैसी दुर्गति करने वाला था। सेना प्रमुख होते हुए भी जिया ये सब बर्दाश्त करते रहते थे। भुट्टो का भरोसा जीतने के लिए एक बार जिया ने उनको एक कुरान शरीफ भेंट की थी, साथ ही उस कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो हमेशा भुट्टो के वफादार और ईमानदार रहेंगे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद सारी कस्में टूट गईं। जिया ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो को विरोधी को मारने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।